तो कहानी की शुरुआत में हम एक सिमरन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि असल में एक राइटर थी जो कि कहानियां और नॉवेल्स को लिखा करती। तभी उसकी बहन आलिया वहां पर आती है जो कि कुछ समय के लिए उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन काम की वजह से सिमरन उसको सही से वक्त नहीं दे पाती। इसलिए आलिया का मूड ऑफ था, लेकिन सिमरन तब उससे वादा करती है कि वो जल्दी ही उसको लेकर वेकेशन पर जाएगी और दोनों खूब मस्ती करेंगे, जिसको सुनकर आलिया काफी खुश हो जाती है। तभी सिमरन को एक पब्लिश हाउस से मैसेज आता है जिसका बॉस उसे कल मिलने के लिए बुला रहा था क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ काम था। अब अगले ही दिन पब्लिशिंग हाउस में जाने पर सिमरन की मुलाकात उसके ओनर युवराज से होती है और वो सिमरन से अपने लिए कहानी लिखवाना चाहता था जिसके बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन वो आज ही उसको देकर उसे आज से ही काम चालू करने के लिए कहता है। पर क्योंकि सिमरन ने आलिया के साथ लोनावला जाने का प्लान बना लिया था, इसलिए वो युवराज को रीजन बताते हुए एक हफ्ते इंतजार करने के लिए कहती है। युवराज मान तो जाता है और उसका लोनावला में उसका खुद पे एक बंगलो भी होता है, इसलिए वो सिमरन को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है, साथ ही साथ काम भी शुरू करने के लिए कहता है। वेकेशन भी हो जाता, काम भी शुरू हो जाता, दोनों चीज सॉल्व हो जाती है, जिस पर वो मान जाती है। अब जब आलिया को इसके बारे में पता चलता है कि वो लोग वेकेशन पर लोनावला जा रहे हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों ही लोनावला पहुंच जाते हैं और वहां जाने पर बंगलो का केयर देकर शंभू उन दोनों को वेलकम करता है और उन्हें बंगलो में थोड़ा घुमाने के बाद वहां से चला जाता है। सिमरन और आलिया को भी वो बंगलो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर, तभी हम एक झूले को नोटिस करते हैं जिस पर आलिया झूल रही थी, मगर उसके वहां से जाने के बावजूद भी वो झूला जोर जोर से हिलता रहता है जैसे अभी भी उस पर कोई झूल रहा हो। खैर, आलिया और सिमरन दोनों अपने लिए अलग अलग रूम्स को चुन लेते हैं। तभी सिमरन युवराज को बताती है कि वो वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद रात में वो अपने नॉवेल पर काम करना चालू कर देती है। अब उस समय आलिया टीवी देख रही थी, पर क्योंकि वो सुबह से मूवी देख रही होती है, इसलिए सिमरन उसको डांट कर सोने के लिए भेज देती है और खुद भी सोने चली जाती है। अब रात में सोते हुए उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था और जब वो उठती है तो उसके रूम में बहुत जोर जोर से कोई लड़की रो रही होती है। अब जैसे ही सिमरन उसके पास जाती है, वैसे ही वो लड़की उस पर हमला कर देती है, मगर ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन सिमरन इससे बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तब वो रसोई में जाकर ठंडा पानी पीती है और वापस से रूम में जाने लगती है, लेकिन अब उसे उसके ऊपर वाले रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके वहां पर जाकर चेक करने पर वो रूम खोल नहीं रहा था, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर करके वापस से अपने रूम की तरफ निकल रही थी कि तभी शॉकिंगली वो गेट अपने आप खुल जाता है और लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है। सिमरन डर तो गई थी, लेकिन अभी वो उस रूम के अंदर चली जाती है। अब वहाँ पर छानबीन करने पर उसे बिस्तर के नीचे एक गुड़िया मिलती है। तब सिमरन उस गुड़िया को उठाती है और हंसते हुए उसे लेकर बाहर चली जाती है। उसके जाते ही उस रूम के बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। खैर, अगले दिन सिमरन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड दिशा का वीडियो कॉल आता है जिसकी थोड़े ही समय पहले शादी हुई थी, और जब उसको पता चलता है कि सिमरन लोनावला के अंदर है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड अमन के दोस्त की शादी में वहां पर आने वाली थी। तभी सिमरन से बात करते हुए दिशा को अचानक से उसके पीछे एक साया दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में सिमरन से कुछ भी कह पाती, तभी फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और नेटवर्क भी गायब हो गए थे। खैर, अब रात में 12 बज जाते हैं और सिमरन थक हार कर सोने जाती है कि तभी उसके रूम में रखी हुई वो डॉल रॉकिंग चेयर पर झूलने लगती है, लेकिन जैसे ही सिमरन की आंख खुलती है तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब सिमरन अपना काम कर रही थी तभी अचानक से उसे बेसमेंट की तरफ से म्यूजिक चलने की आवाज आने लगती है, जिसको चेक करने के लिए जब वो बेसमेंट में जाकर लाइट्स को ऑन करती है तो वहां पर भी एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सिमरन को वहां पर एक दीवार पर मिरर मिलता है जो कि बहुत ही गंदा था। फिर जब सिमरन उसको साफ कर रही होती है तभी उसको मिरर में अपने पीछे रखी हुई रॉकिंग चेयर पर एक लड़की बैठी हुई नजर आती है, जिसको देख कर सिमरन के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब वो पीछे पलटती है तो वहां कोई नहीं होता। अब इतने में ही वहां पर आलिया भी सिमरन को ढूंढते हुए पहुंच गई थी। सिमरन उसको सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया को लगता है कि शायद सिमरन काम की वजह से खुद पर बहुत प्रेशर ले रही है और इसलिए वो बस उससे बातें करते हुए उसे अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती है, लेकिन उनके वहां से जाते ही वो रॉकिंग चेयर वापस से हिलना शुरू हो गई थी। मतलब कि घर के अंदर सच में कुछ ना कुछ जरूर होता है, जो कि जाकर अब फाइनली सीधा सिमरन को पजेस भी कर लेता है, जिसके बाद होता यह है कि सिमरन सीधा उसी रूम में पहुंच गई थी जहां से उसे पिछली रात आवाजें आ रही थी और वहां जाकर वो
की अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक बार वापस से आलिया वहां आकर उससे ये पूछती है कि आखिरकार वो वहां पर क्या कर रही है। तभी सिमरन अपने होश में आ जाती है। उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस रूम में क्या करने आई थी। तब आलिया सिमरन को आराम करने के लिए बोलती है और उसे बाहर ले जाती है। अब रात में जब सिमरन अपने काम को कर रही थी तब उसको लगता है कि जैसे पूल में कोई गिरा हो, लेकिन वहां जाकर चेक करने पर कोई नहीं था। इसलिए सिमरन भी बस साइड में बैठकर सिगरेट पीने लगती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, वो यहाँ पर कर क्या रही थी। पर जैसे ही वो कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करती है तभी उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई रो रहा हो। और अब एक बार वापस से सिमरन के सामने वही लड़की बैठकर रो रही थी जिसे सिमरन ने पहले भी अपने सपने में देखा था। लेकिन उसके पास जाने पर वो फिर से सिमरन के ऊपर हमला करती है और सिमरन की आंख पूल के पास ही खुलती है क्योंकि वो वहीं पर सो गई थी और ये भी उसका सपना था या फिर ये कहें कि चेतावनी थी जो कि उसकी बॉडी बार बार उसको दे रही है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है जो कि उसको पदस करने की कोशिश कर रहा था। खैर तभी आलिया भी उठ जाती है जिसको रात में अकेले नींद नहीं आ रही होती, इसलिए सिमरन उसके साथ सोने का फैसला करती है। आगे आधी रात में हम वापस से सिमरन को पजल हालत में देखते हैं और इस बार वो सीधा उसी अलमारी के पास जाती है और उसमें से कपड़े निकाल कर पहन लेती है। यानी कि कोई ना कोई उसे फोर्स कर रहा था कि वो इन कपड़ों को पहन ले। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खाली रास्ते से कहीं पर जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे रोड पर खड़ी हुई सिमरन रोकती है जो कि उससे बंगलों तक के लिए लिफ्ट मांगती है। वो असल में सिमरन नहीं थी बल्कि वो आत्मा थी जिसने उसे पजस करके रखा हुआ था। वो सिमरन को फोर्स कर रही थी ऐसा करने के लिए। तब वो आदमी सिमरन की मदद करने के लिए मान जाता है। अब आगे जब दोनों बंगलों पहुंचते हैं तो सिमरन उस आदमी को अपने साथ घर के अंदर ले आती है। पहले तो वो आदमी मना करता है लेकिन बाद में वो सिमरन की खूबसूरती को देखकर उसके साथ अंदर चला जाता है। अब सुबह हम ये देख पाते हैं कि जब आलिया सिमरन के रूम का गेट नॉक करती है तब जाकर उसकी आंख खुलती है, उसे होश आता है। सारी रात वहां पर उसके साथ वो आदमी सोया हुआ था जिसको हमने पिछली रात उसके साथ देखा था। यानी कि रात में वो दोनों इंटीमेट हो गए और इसके बारे में सिमरन को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो सबसे पहले आलिया को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आलिया उसको गंदा समझे, कैरेक्टरलेस समझे। लेकिन आलिया को भी सिमरन की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसी नहीं है। तब सिमरन उस आदमी को उठाती है और वहां से गुस्से में भेजने लगती है, जिस पर वो आदमी से मन से थोड़ी बहस करने के बाद वहां से चला जाता है। वो बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सिमरन उसे वहां पर लेकर आई थी। आलिया को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे अभी भी सिमरन की फिक्र हो रही थी। लेकिन सिमरन जिसका मूड ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब था, उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। वो गुस्से में आलिया से सही से बात भी नहीं करती। और इसी तरह से कुछ समय और बीतता है लेकिन आलिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रात में सिमरन के पास जाती है और उसे हग करते हुए उससे सही से बात करती है। और तब सिमरन को भी थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। लेकिन उसी रात जब सिमरन और आलिया साथ में सो रहे थे तभी सिमरन अचानक से उठकर फिर से कहीं चली जाती है। और थोड़ी देर बाद आलिया को जब इस बात का एहसास होता है तो वो भी उसको ढूंढना चालू करती है। आलिया को लगातार बेसमेंट से गाने बजने की आवाज आ रही थी, इसलिए वो बस जल्दी से नीचे जाती है जहाँ पर सिमरन को देख कर उसके होश उड़ जाते हैं। सिमरन लगातार उस मिरर में देखते हुए बस हिल रही थी और उसने पूरे मुंह के पास फैला कर अजीब तरह से लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिसको देख कर आलिया जोरों से चिल्लाती है। सिमरन भी इस वजह से होश में आ जाती है और अब उसे वापस से कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आए। सिमरन की हालत अब धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। वो बस अपने रूम में बैठकर मिरर को देखते हुए हिलती रहती। साथ ही साथ जब आलिया उससे बात करने की कोशिश करती तब वो उससे बात तक नहीं करती थी और उसका नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब एक दिन जब आलिया उसी अलमारी के पास जाती है तो सिमरन गुस्से में उसे उस अलमारी से दूर कर देती है। तब आलिया समझ गई थी कि जरूर इस घर में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए वो रात में सिमरन से वापस से अपने घर चलने के लिए बोलती है, जिस पर सिमरन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। और अब कोई और रास्ता ना होने पर सिमरन की हालत बिगड़ते देख आलिया सिमरन की बेस्ट फ्रेंड दिशा और उसके हस्बैंड अमन को उसी बंगलों में बुला लेती है, जहां पर जाकर दिशा को भी सिमरन की हरकतें बहुत अजीब लगती है। अक्सर सिमरन बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी लेकिन अब वो बस एक जिंदा लाश की तरह बर्ताव कर रही थी, जिसको देखकर दिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ जब रात में सब खाना खा रहे होते हैं तब भी सिमरन बस अमन को अजीब तरह से घूर रही थी। और जैसे ही वहां पर आलिया दिशा और अमन के लिए चिकन लेकर आती है तब सिमरन अजीब तरह से चिकन को छीन कर खाने लगती है, जिसको देखकर दिशा और आलिया दोनों को ही झटका लगता है क्योंकि उनको पता होता कि सिमरन नॉनवेज नहीं खाती। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सिमरन से पूछते हैं वैसे ही वो अजीब आवाज में उनके ऊपर चिल्लाकर चिकन को लेते हुए अपने रूम में चली जाती है,
जब वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो ये देखते हैं कि सिमरन अलमारी पर चढ़कर किसी पागल जानवर की तरह चिकन को खा रही थी, और तब उनको ये कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम लगती है, इसलिए वो सिमरन को डॉक्टर को दिखाने का डिसाइड करते हैं। अब रात में जब अमन सो रहा था तभी नींद खुलने पर वो सिमरन को कहीं जाते हुए नोटिस करता है, जिसका पीछा करते हुए वो उसी रूम में पहुंच गया था जहां पर अलमारी थी। अब जैसे ही अमन उस रूम में जाता है वैसे ही सिमरन उसको जान से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वक्त रहते वहां पर दिशा और आलिया आ गए थे जो कि सिमरन की अजीब सी आंखों को देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उस घर से निकलना होगा और तभी जाकर अपनी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जब आलिया, दिशा और अमन सिमरन को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी कोई अनजान शक्ति सिमरन को वापस से बंगलों के अंदर खींच कर ले जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी दिशा, अमन और आलिया को बंगलों में वापस जाना पड़ता है। आई मीन यहाँ पर आलिया सच्ची बहन और दिशा और अमन यहाँ पर दोस्त थे, क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद वहां से भाग जाता। खैर इसका मतलब यही था कि उस घर में जो कुछ भी था वो नहीं चाहता कि उसका होस्ट यानी कि सिमरन वहां से चली जाए। खैर बंगलों के अंदर जाने पर अमन, आलिया और दिशा को सिमरन उसी बेसमेंट में मिलती है जहां पर उसने अपना हाल पहले जैसा बनाया हुआ था, साथ ही साथ उसकी आंखें पीली पड़ गई थी, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि भूत वाली चीज है। अब इसके लिए वो अगले दिन जेन नाम की एक सिस्टर को बुला लेते हैं जो कि एग्जॉर्सिज्म प्रैक्टिस कर रही थी। खैर अब बंगलों में आने के साथ ही उसे वहां पर बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा फील होने लगती है, साथ ही साथ उसने सिमरन को देखते ही कंफर्म कर दिया था कि उसके अंदर सच में कोई भूत है। इसको जानकर आलिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब आगे जेन अकेले ही उस अलमारी वाले रूम में जाती है जहां पर जाकर अलमारी को चेक करने पर उसे एक औरत की फोटो मिलती है। तभी जेन उसे अपने पास रख लेती है और बेसमेंट को चेक करने लगती है। वहां उसको बहुत ही ज्यादा क्रीपी फील होता है, जिससे डर कर जब वो ऊपर आती है तो वहां पर शंभू को बुलाया जाता है, जो कि जैसे ही उस फोटो को देखता है तो वो ये बोलता है कि असल में फोटो में जो औरत है वो युवराज सर की बीबी संजना है, जो कि 5 साल पहले खो गई थी, पर आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। साथ ही साथ वो रूम जिसमें अलमारी थी वो संजना का ही रूम था। अब ये बात जानकर सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और उन्हें समझ में आ गया था कि सिमरन को संजना ने ही पजेस करा हुआ है, यानी कि उसकी स्पिरिट को। और ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि संजना खोई नहीं है बल्कि वो मर चुकी है, अदरवाइज उसकी स्पिरिट कैसे सिमरन को पजेस करती। लेकिन ये सब बातें किसी को समझ में नहीं आते कि वो ये सब कर क्यों रही है। खैर तभी जेन वहां पर होली वाटर कुछ रखते हुए कुछ पढ़ती है और संजना की आत्मा को वहां पर आने के लिए विवश करती है। पहले तो संजना उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में वो ये बताती है कि वो सिमरन की बॉडी में रहकर प्यार पाना चाहती है, वो प्यार जो कि उसको कभी भी युवराज से नहीं मिला, जिसके साथ ही ये सीन पास्ट में चला जाता है जहां पर हम ये देखते हैं कि युवराज की शादी संजना से हुई थी, लेकिन शादी होने के बाद भी युवराज संजना से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। संजना बहुत बार उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार युवराज उस पे गुस्सा करके वहां से उसे भगा दिया करता। साथ ही साथ युवराज कभी उसके साथ एक रूम में नहीं सोया करता था, जिसे कि संजना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके सारे दिन रोते हुए गुजर रहे थे कि तभी एक दिन युवराज अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर आता है। जी हाँ, तब जाकर संजना और हमको पता चलता है कि युवराज असल में एक गे होता है। लेकिन फिर भी संजना उसको समझाने की बार बार कोशिश करती रहती है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, मगर तब भी युवराज उसकी बात नहीं सुनता। और उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि युवराज ने संजना से शादी करी ही इसलिए थी क्योंकि उसके बारे में बाहर गे होने की बातें फैल रही थी। अब इस बात को जानने के बाद संजना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये शादी महज एक प्रूफ के लिए थी, लेकिन वो सच में युवराज से प्यार कर बैठी थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो बस हर बार युवराज को रोकने की कोशिश करती थी, जिसके चलते गुस्से में एक दिन युवराज संजना को पकड़ कर उसी रूम में लॉक कर देता है और खुद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाता है। साथ ही साथ अब तक संजना भी समझ गई थी कि ना तो वो वहां से भाग सकती है ना ही कभी युवराज उसका हो सकता है, इसलिए वो भी वहीं पर अपनी जान दे देती है। जिसके साथ ही सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां पर सभी संजना की बातें जानने के बाद बहुत ही शॉक्ड हो गए थे। अब जेन को ये बात समझ में आ गई थी कि संजना ने सिमरन की बॉडी पर कपड़ों की वजह से ही पूरी तरह कंट्रोल करा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि कोई चीज है जो कि सिमरन को बार बार कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही है, और इसलिए वो संजना के रूम में उसके कपड़ों को लेने जाने लगती है ताकि वो उन्हें जलाकर सिमरन की बॉडी से संजना को निकाल पाए। लेकिन उसके रूम में जाने से पहले ही संजना जेन को बहुत ही बुरी तरह से हॉन्ट करती है और जेन को भी वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे अब संजना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रही थी।
अब आप जीन वहाँ पर युवराज को बुलाती है, लेकिन जब वो युवराज को सब कुछ बताते हैं तो युवराज को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। साथ ही साथ जब वो सिमरन से जाकर मिलता है तो पहले तो सिमरन नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन बाद में अचानक से ही वो बेसमेंट में जाकर अजीब तरह से बातें करना चालू कर देती है, जिसको देखकर युवराज बहुत ही घबरा गया था। पर तब भी उसे ये सब नाटक लग रहा होता है, उसे लग रहा था कि शायद कोई उसको फंसाना चाहता है। अब ये बात सुनने के बाद संजना की स्पिरिट गुस्से में आकर एक रॉड उठाती है और उसे मिरर पर मार देती है, जिसको देखकर वो अक्सर हिलती रहती थी। असल में वहाँ पर एक सीक्रेट रूम था जिसको मिरर के पीछे छुपाया गया था, जिसको देखकर युवराज के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अभी वो जैसे तैसे उस रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे संजना रोते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर युवराज घबरा गया था। तब जेन उससे सारी सच्चाई पूछती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में वहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर युवराज जब घर पहुँचा तब तक संजना ने खुद को खत्म कर लिया था। साथ ही साथ उसने अपने खुदकुशी वाले लेटर में अपनी मौत का जिम्मेदार युवराज को ही बताया। और क्योंकि अगर पुलिस को संजना की लाश और वो लेटर मिल जाता तो युवराज की पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी, इसलिए उसने संजना की बॉडी को बेसमेंट में बने हुए रूम के अंदर छुपा दिया और बाद में वहाँ पर एक दीवार बनाकर उसके सामने शीशा लाकर रख दिया, ताकि किसी को संजना के बारे में कभी पता न चले। और यहाँ पर ये बात कि वो खो गई थी तो ये चीज यहाँ पर उसी ने करी थी। पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन फाइल कर दी कि संजना मिसिंग है। अब सब कुछ जानने के बाद में जेन को काफी बुरा लगता है, लेकिन अभी युवराज वापस से संजना के पास जाता है और उससे माफी मांगते हुए सिमरन के शरीर से निकलने के लिए कहता है। अब संजना भी चुपचाप सिमरन का शरीर छोड़ देती है, लेकिन अब उसने आलिया को कब्जे में कर लिया था, जिसको देखकर सब समझ जाते हैं कि संजना इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। तब जेन वापस से कुछ चैंटिंग पढ़ती है, जिससे कि आलिया अभी सही हो जाती है। पर संजना वापस से सिमरन के शरीर में जाकर खुद को अपने रूम के अंदर ही लॉक कर लेती है। अब जेन समझ गई थी कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, और इसलिए वो अगले दिन वहाँ पर एक गुरुजी को लेकर आती है, जो कि बहुत ही बड़े पंडित थे। अब गुरुजी वहाँ पर आते ही सबसे पहले दिशा और आलिया को मंत्र पढ़कर एक कॉइन देते हैं, जो कि संजना की आत्मा से उनकी रक्षा करने वाला था, यानी कि फिर वो उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब दिशा उस कॉइन को बहुत आराम से ले रहती है, लेकिन आलिया उसको लेने में थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही थी। साथ ही साथ गुरुजी के संजना के रूम में जाते ही आलिया उस कॉइन को फेंक देती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत पजेशन अभी भी था। अब गुरुजी जब संजना के रूम में जाकर उससे बातें करते हैं तो संजना उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर गुरुजी वहाँ पर संजना के कपड़े लेने आए थे ताकि उन्हें जलाकर वापस से सिमरन को सही करा जा सके और संजना को भी मुक्ति मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो उसके कपड़े लेने की कोशिश करते हैं, संजना सिमरन के शरीर को नोचने लगती है, जिसको देखकर ना चाहते हुए भी गुरुजी को रुकना पड़ता है और वो नीचे जाकर किसी और उपाय के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उन्हें ये बात भी पता चलती है कि संजना की बॉडी को अभी जलाया नहीं गया होगा, इसका मतलब अभी भी उसका स्केलेटन वहीं पर है। अब ये बात पता चलते ही गुरुजी उस बेसमेंट वाले सीक्रेट रूम में जाकर उन हड्डियों को लेकर आते हैं, क्योंकि अगर वो संजना की हड्डियों को घर से दूर लेकर चले जाते तब भी वो सिमरन को छोड़ देती। लेकिन जैसे ही जेन उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर संजना की आत्मा आकर गुरुजी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन गुरुजी का यही प्लान था, वो यही चाहते थे। अब जैसे ही संजना की स्पिरिट वहाँ पर उनके साथ बिजी होती है, वो तुरंत ही जेन से संजना के कपड़े लाने के लिए कहते हैं, मगर ऊपर जाने पर आलिया भी काइंड ऑफ पजल्स होने के कारण जेन के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन जेन उसे जैसे तैसे कंट्रोल करके संजना के कपड़ों के साथ बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पर सारे कपड़े और डॉल्स को जलाने के बाद आलिया सही हो गई थी। और अब गुरुजी और जेन दोनों ही संजना यानी कि सिमरन के शरीर की तरफ बहुत सारे मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं, जिससे कि उसकी चेयर हवा में उड़ने लग गई थी। लेकिन अब फाइनली सिमरन एकदम सही हो जाती है, यानी कि संजना की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तब गुरुजी भी सबसे अलविदा लेकर वहाँ से निकल गए थे और अब दिशा और अमन भी निकल जाते हैं। तब सिमरन ये चाहती थी कि युवराज भी उनके साथ वापस चले, लेकिन युवराज अभी कुछ समय वहाँ पर उसी बंगलों में रहना चाहता था। वो समझ गया था कि संजना के साथ उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। साथ ही साथ उसे अब संजना की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो सिमरन और आलिया को वहाँ से भेज देता है। और मुझे लगता है अब यहाँ पर शायद वो खुद को भी खत्म कर लेगा। और इसी के साथ में पास्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पास्ट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें 1920 जैसी थी, कुछ चीजें यहाँ पर कॉन्जरिंग जैसी थी, यानी कि वो कुर्सी का हवा में लेविटेट करना। बात रही यहाँ पर जो स्पिरिट का डिजाइन है वो बिल्कुल 1920 जैसा मिलता है। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है, प्रॉपर हॉरर फिल्म है, पजेशन है, एग्जॉर्सिज्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।